नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की और साथ ही साथ हम बात करेंगे ग्लोस्टर लिमिटेड की। तो सबसे पहले हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, जो कि आपको पहला इंटरिम डिविडेंड जो आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए घोषित होना था, उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो अभी आपको 250 के आसपास कोल इंडिया लिमिटेड काम कर रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 7% का डिविडेंड यील्ड है। तो अब आगे चल के हम देख लेते हैं कि आपको लेटर में क्या इनकी तरफ से अनाउंस किया गया है। तो आपको 7 नवंबर 2022 का ये लेटर आपको एक्सचेंज को जो नोटिफाई किया गया है कि ₹15 पर इक्विटी शेयर पे आपको डिविडेंड की घोषणा हुई है। तो जब लास्ट वीडियो बनाया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि इनकी तरफ से रिकॉर्ड डेट पहले से दी हुई थी, आपको 16 नवंबर 2022 की रिकॉर्ड डेट है। और जिन लोगों को परचेस करना है लास्ट डेट तक, तो 11 नवंबर 2022 तक आपको परचेस कर लेना होगा, तभी जाके आपको इसमें डिविडेंड का भी फायदा मिलेगा। तो इसके साथ एक और अनाउंसमेंट की गई है कि इसके पेमेंट आपको 6 दिसंबर 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। तो जिन लोगों को पेमेंट में प्रॉब्लम होती है, डिविडेंड का अमाउंट नहीं आता है, वो कैंडी किसी भी वीडियो में मुझे कमेंट करके कैंडी बोल दें, मैं उनको हेल्प कर दूंगा, प्रोसीजर बता दूंगा कि कैसे ना वो अप्रोच करेंगे ताकि उनको वो अनपेड डिविडेंड का अमाउंट मिल सके। तो अभी टेक्निकल चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि हमें कैसे कामकाज करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 240 का यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ये तोड़ेगा तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो आपको 255 आपको मिलेगा, और सिर्फ इस डिविडेंड के लिए आप 270 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो अभी आपको ये 240 का जो रेजिस्टेंस था उसने तोड़ दिया है, उसके ऊपर कामकाज कर रहा है। तो अब मेरा टारगेट रहेगा 255 और 270 जो लास्ट था। लेकिन हाँ, न्यू बायर्स कहाँ पे बाई कर सकते हैं, 240 का आपको सपोर्ट मिलता है, आप यहाँ से बाई करें। जब 240 के आसपास से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको इंटरडे डिप मिलती है तो आप बाई करें। ऊपर की तरफ आपको वही टारगेट रहेगा, इसमें आपको इजिली आपको ऊपर 255 जब निकलेगा उसके बाद ही आप ₹15 के एडजस्टमेंट पे ही आपको इस सेल करना है। तो याद रखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर ले रहे हैं तो आप पूरा अमाउंट डिविडेंड के लिए ही आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें मूव आने के लिए। तो आपको 270 का अगर मूव मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नए बायर्स हैं तो आपको डिविडेंड के एक्स डेट के बाद तक आपको रिकॉर्ड डेट तक आपको बैठना पड़ेगा। और शुरू से मैंने आपको बताया है कि स्टॉक में वीकनेस तब चालू हो जाएगी जब आपको 225 के नीचे ये कामकाज करेगा, और बिल्कुल अवॉइड कब करना है, जब आपको 205 के लेवल को तोड़ के ये नीचे कामकाज करेगा। अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ग्लोस्टर लिमिटेड। तो ये अभी आपको 1700 के आसपास कामकाज कर रहा है, और एक साल के रिटर्न की बात करें तो 50% का रिटर्न है। तो इनके तरफ से भी दो अनाउंसमेंट हुआ है। तो 7 नवंबर 2022 का ये लेटर आपको एक्सचेंज को जो नोटिफाई किया गया है कि इनके तरफ से दो मेजर आपको कॉर्पोरेट एक्शन होने जा रहा है, जिसमें आपको 1:1 पे आपको बोनस शेयर दिया जा रहा है। तो हर एक शेयर के बदले आपको दूसरा शेयर आपको इनके तरफ से दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको इनको पर इक्विटी शेयर पे आपको ₹50 का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। तो इसके लिए रिकॉर्ड डेट सेम है जो आपको कोल इंडिया की है, 16 नवंबर 2022। अगर आपको परचेस करना है ये शेयर तो आपको 11 नवंबर 2022 तक आप परचेस कर लेते हैं, तो आपको डिविडेंड और बोनस दोनों का फायदा मिलेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और भी कोई क्यूरी है किसी भी और दूसरे स्टॉक से रिलेटेड, काइंडली कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।